गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जेके ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड की। कल का एपिसोड थोड़ा मनोरंजन से भरा हुआ हो सकता था, लेकिन घर वालों की फेक हरकतों की वजह से शो में मनोरंजन नाम की चीज़ रही नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राखी सावंत की, जो कि कंटेंट क्रिएट करती है, एंटरटेनमेंट का डोज देती है। उसका फेक मनोरंजन जो कल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से वो अपने पर्सनल मुद्दों को हाईलाइट कर रही थी अपने एरिया और राहुल के एरिया में जाकर, ऐसा लग रहा था कि शो का पूरा जो फुटेज है वो इन लोगों पर ही चला जाएगा। लेकिन वो पोल खुलती हुई नज़र आई जब उसकी वो फर्स्ट बॉयफ्रेंड की बात जो कही, वो मीडिया में हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है। राखी उस टाइम कितनी बड़ी ड्रामेबाज होती थी, या फिर उसकी माँ की हार्ट अटैक वाली घटना जो उसने सुनाई, उस टाइम भी हमें पता था कि ये कितनी बड़ी फेक न्यूज़ क्रिएट करने में अपने आप में महारत हासिल है इस लड़की को। तो उसने जो स्टोरीज बताई उसमें भी हमें कुछ रियलिटी नज़र नहीं आ रही थी। और तो और फुटेज के नाम पे अपनी फेक सहानुभूति पाने के लिए रोना धोना और अपने पति के बारे में जो खुलासे किए, सुनने में तो फुटेज में तो अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद ही आप घर में आज इतना बड़ा खुलासा कर रहे हो, रो रहे हो, उसके एक घंटे बाद ही आप तुरंत ठीक हो जाते हो, हंसते गाते हो, तो वो वाला जो जोन होता है मुझे नहीं लगता कि एक दिन में स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाता है। अगर आपकी रियल लाइफ की घटना कोई है तो उसको आपने किसी के साथ इतने इमोशनली तरीके से शेयर किया है। अगर एक्टिंग कर रहे हो तो स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, लेकिन रियलिटी में स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होता है इतनी जल्दी, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, राहुल का हमें समझ में आया। राहुल फुटेज के लिए राखी को जिस तरीके से पूरे चारों ओर से घेर के बैठा हुआ, उसका पल्लू छोड़ ही नहीं रहा, तो वो लग रहा था कि अब ये लोग इतना फेक तड़का लगा चुके हैं कि रियलिटी का कुछ नाम ही नहीं आ रहा। इसी बीच में आपको बता दूं, अली का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरीके से वो खेल रहा था, जिस तरीके से किचन में सभी एरिया में योगदान दे रहा था, गार्डन में, चाहे वो स्पा में हो, बाथरूम में हो, सब जगह वो योगदान दे रहा था। और उसने लॉयल्टी से रुवीना का साथ भी दिया, काफ़ी देर वो किचन में रहा। लेकिन सबसे गंदी जो बात लगी वो मुझे देवोलीना और राखी की लगी, जब वो किचन का पूरा सामान जो था स्विमिंग पूल एरिया में या फिर बाथरूम एरिया में वो बर्तन धोने का काम कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गंदा लगा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे हम ब्रश करते हैं, थूकते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे कुछ आप हाइजीनिक वाली चीज़ें धोएं तो वो बहुत अजीब लगता है। आप सोचिए कि कल को आप टास्क के चक्कर में बाथरूम में सुसू करना स्टार्ट कर दें, वॉशरूम में सुसू करना स्टार्ट कर दें, तो आपको कितना अजीब लगेगा। तो ये सेम थिंग होगी ना, यहाँ पे आप सुसू करते वहाँ पे आप बर्तन धो रहे हो। तो ठीक है, राखी जो लॉजिक दे रही थी कि हम एक ही मोरी होती है, जो चोल में रहते हैं तो वहाँ पे ही सब कुछ करते हैं, तो वो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगा। मतलब आपके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, आप करते हो, हम लोग आउटिंग पे जाते हैं या चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें कई बार करते हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाएं हैं, यहाँ पे आप हाइजीनिक रख सकते हो, वहाँ पे तो रखो। आप ज़रूरी नहीं है कि हर एरिया को चोल बना दोगे। आप बंगलों में रहोगे, फ्लैट में रहोगे, चोल जैसा बिहेव करोगे तो कहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो राखी की उस बात के साथ, उस हरकत के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत ही वाहियात चीज़ें, वाहियात लॉजिक आप पेश करते हो। किसी की गरीबी का या चोल का आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि चोल में लोग ऐसे करते हैं, इस वजह से फ्लैटों में भी लोग ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, तो बंगलों में भी लोग ऐसा करना स्टार्ट करते हैं। तो चोल में लोग मजबूरी में करते हैं, ना कि वो शौकिया करते हैं। यहाँ पे तो तुम लोग शौकिया कर रहे हो, आपके पास सहूलतें हैं, आप फुटेज बटोरने के चक्कर में ऐसा कर रहे हो और गलत लॉजिक दे रहे हो, तो उसके साथ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं कल का जो गेम था, टास्क था, बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था मुझे। और जिस तरीके से सारी चीज़ें उभर के आ रही थी, वो भी मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रियल मनोरंजन होना चाहिए, जो कि बिग बॉस ने अनाउंसमेंट में कहा भी था, रियल रखिए, फेक मत करिए। लेकिन राखी और राहुल का टोटली फेक नज़र आ रहा था, इस वजह से ये चेतावनी
दी गई। और मैं आपको बता दूं, बिग बॉस का जो टास्क है ये अभी भी चल रहा है और कल पता चलेगा ये टास्क कौन जीतता है और कौन हारता है। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, मुझे और भी मुद्दों पे शिकायत होगी या कुछ और भी चीज़ें मुझे बतानी होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बिग बॉस को तो मैं कंटिन्यू फॉलो कर ही रहा हूँ, बिग बॉस के बाद मैं नई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।